असलम आपका क्या नाम है भाई हाफ सिकंदर हाफर सिकंदर सिकंदर भाई आप कोई सवाल करेंगे जी मेरा सवाल मोहम्मद यूसुफ भाई से है कि सलीम मलिक हमेशा आपको ये कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने मेरा करियर तबाह कर दिया इसकी क्या वजह है भाई मैं तो उस वक्त आया जब वो आखिरी टाइम पे थे तो वो आखिरी में आपसे बात हुई उनकी वैसे उन्होंने टीवी में कहा देखा है मैंने इंटरव्यू इंटरव्यू देखा देखा में आपने अच्छा

वालेकुम वालिकुमल आपका क्या नाम है भाई मेरा नाम मोहम्मद फैजान है क्या करते हैं आप फैजान मैं स्टूडेंट हूँ नहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ कभी आपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाए काफ़ी मेरा यूसुफ साहब से सवाल है कि मेरे अंदाजे मुताबिक ना क्रिकेटर तीन के लिए तीन चीज़ों के लिए बनते हैं या तो शौक के लिए या वतन के लिए या अच्छी बीवी के लिए आप किसके लिए बने थे मेरा शौक था उसमें बाकी चीजें भी हो जाती है ना हाँ। <laughs> <laughs> मैं ये कह रहा था कि वालिद साहब रिवायती वालदेन की तरह आपके वालिद साहब भी इस चीज़ के मुखालिफ थे भाई क्रिकेट वर्केट के उन्होंने आपको मुख्तलि प्रोफेशन में लगाया कभी दर्जी का काम सिखाने को कहा कभी रिक्शे का काम सिखाने को कहा एक काम ठीक करके नहीं दिया आपने सिवाय क्रिकेट के अरे ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है आपको किसी मेरे वालदे ने मुझे कभी मना नहीं किया था हालांकि अच्छा हम बहुत गरीब थे मुश्किल से हाल घर का चलता था लेकिन मुझे कभी खेलने से मना नहीं किया था और फिर एक बार मैं, जब मैं कुछ कर नहीं सका था ग्रेट टू में मैं उस टाइम उन्नीस साल का था तो मुझे खेलना नहीं आता था सही इतना अच्छा नहीं खेलना था जिस तरह खेलना चाहिए तो मैंने कहा मैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकता अच्छा उन्नीस साल की उम्र में आप अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त तो इतनी अच्छी आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना प्रोफेशनल क्रिकेट खेल वो वाली क्रिकेट मुझे समझ नहीं आई तो मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है तो मैंने छोड़ दी तो फिर मैं खुद क्योंकि मेरा भाई भी एक काम करता था तो मैंने उसे कहा मैं भी यही यही सीख लेता हूँ तो मैं दर्जियों का काम सीखने चला गया ठीक है